हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा। आज हम बात करेंगे अपने अगले वीडियो जो होगा इंडियस के सीरीज के ऊपर। आप देख सकते हो फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को। और चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क, अब पहले फ्रेमवर्क के बारे में समझ के लेते हैं, फिर उसका स्कोप देख लेंगे। फ्रेमवर्क क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो रिपोर्टिंग होता है उसका फ्रेमवर्क। तो कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो उसको कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू बनाया जाता है। तो इंडिया में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हमें ICAI प्रोवाइड करती है, जिसका मतलब होता है कि एक सेट ऑफ क्राइटेरियाज होते हैं यूज़ किए जाते हैं डिटरमाइन करने के लिए कि मेजरमेंट कैसा किया जाए कोई चीज़ को, रिकॉग्नाइज कैसे किया जाए कोई चीज़ को, प्रेजेंटेशन कैसे किया कोई कोई चीज़ को, और कोई मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आइटम है उसे डिस्क्लोज कैसे किया जाए, वो चीज़ के बारे में फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बात करते हैं। आगे जाके हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज स्कोप में क्या चीज़ है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, फिर बाद में बात करेंगे क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद बात करेंगे डेफिनेशन रिकग्निशन मेजरमेंट ऑफ एन आइटम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर बाद में बात करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस के ऊपर। तो ऐसे करके हम ये चार पॉइंट्स को आज कवर करेंगे अपने फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। बिफोर हम ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ जनरल पॉइंट्स से आपको माइंड में रखना पड़ेगा ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क समझते वक्त। तो फर्स्ट पॉइंट आता है ओनली एप्लीकेबल टू जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नॉर्मली एनुअल रिपोर्ट में दिया जाता है और डिपेंड करता है, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब होता है जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और जिनको रिपोर्टिंग एप्लीकेबल है। अब देखा जाएगा तो ऐसा बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं जो जनरल पर्पस नहीं होते। जब जनरल पर्पस है तो उसके अंदर इंक्लूडिंग CFS भी है। CFS का मतलब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाता है और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आ जाता है। तो आप बोलोगे सर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल टू स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मानो कभी कभार क्या होता है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी अपने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेता है, बट उनके प्रोविजन के हिसाब से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना होता है, बैंकिंग का अपने हिसाब से बना होता है। तो ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस हो सकते हैं, तो इसे कहते हैं स्पेशल पर्पस। तो वहाँ पर ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लगेगा नहीं। नेक्स्ट आता है फ्रेमवर्क इज नॉट एन इंड एस। तो याद रखना, जब हम इंड एस की सीरीज पढ़ने वाले आगे जाकर, तो ये मत समझना कि ये फ्रेमवर्क भी एक इंड एस है। इंड एस अलग है और फ्रेमवर्क अलग है। फ्रेमवर्क एक बेस बनता है इंड एस के लिए। तो फ्रेमवर्क में बहुत सारे चीज़ को डिफाइन किया है, वही डिफिनेशंस हम आगे जाकर इंड एस में डायरेक्टली लेने वाले हैं। तो ऐसे करके ये अलग चीज़ है। पर याद रखना, जब भी कोई चीज़ प्रॉब्लम आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्ट होता है, फ्रेमवर्क और इंड एस में कुछ अलग अलग बातें की है एक चीज़ को लेकर, तो ऐसे टाइम पे जो स्पेसिफिक इंड एस जहाँ पर लिखा है तो वो प्रिवेल करेगा और फ्रेमवर्क वहाँ पर प्रिवेल नहीं करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। इतना तो पता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे कंपनी के पोजीशन के बारे में, कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, पोजीशन के बारे में थ्रू बैलेंस शीट से पता चलता है, परफॉर्मेंस के बारे में थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से पता चलता है, और कैश फ्लो का क्या है स्टेटस उसके बारे में भी कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चलता है। तो ये सब पोजीशन परफॉर्मेंस कैश फ्लो क्यों दिखाना चाहता है, क्योंकि हमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर से वो प्रॉपरली वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर, वो इंफॉर्मेशन देखकर अपने इकोनॉमिक डिसीजन को सही ले सके, इसीलिए हम क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया जाता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है उसका। तो ये वर्ड से हमें तीन चीज़ समझना पड़ेगा। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज़ें आती है
और क्या चीज़ें नहीं आते उसके बारे में बात करेंगे। फिर बात करेंगे हु आर द यूज़र्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कौन कौन यूज़र्स है इसके बारे में आपको पता होगा, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब भी बनाते हैं याद रखना हम एजम्पशंस लेते हैं, एजम्पशंस है कुछ, तो वो एजम्पशंस के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि ऑब्जेक्टिव में मैंने 3 पॉइंट्स दिए थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं होगा, हु आर द यूजर्स एंड क्या अंडरलाइंग एजम्पशन है जब हम प्रिपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे पूछेगा तो उसे इतना कहना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या चीज़ आते हैं, 5 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट आता है बैलेंस शीट, सेकेंड आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, फिफ्थ आता है नोट्स टू अकाउंट्स। तो ऐसे करके पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा बनता है। अब कुछ लोगों को डाउट हो सकता है कि इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, क्या स्टेटमेंट ऑफ चेयरमैन, मैनेजमेंट, डिस्कशन, एनालिसिस, ये सब चीज़ आते हैं वहाँ पर? तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो 5 पॉइंट को छोड़कर और कोई भी रिपोर्ट होगा उससे अटैच, एनुअल रिपोर्ट से, वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन यूजर्स है, ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉई, लेंडर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक, मैनेजमेंट, ये सब क्या है इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है। तो कुछ इसमें से एक दो पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्या रिलेशन है? देखो, जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्प्रूव होता जाएगा तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो होंगे ऑब्वियसली वो कंपनी को ग्रो होता हुआ देखकर वो कंपनी को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपना सर्विस। इन्वेस्टर नॉर्मली इन्वेस्ट करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, फंडामेंटल्स अगर अच्छे हो गए तो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन भी उसी पे डिपेंड होता है। लेंडर्स नॉर्मली लेंड करते हैं पैसे, कंपनी का फाइनेंशियल पोजिशन अच्छा होगा तो। क्रेडिटर्स भी हमें क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। कस्टमर्स भी डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर, कस्टमर्स भी बहुत मैटर करता है। उसके बाद में आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टैक्स कलेक्ट करने के लिए, मैनेजमेंट तो ऑब्वियसली खुद का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना ज़रूरी है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग अंडरलाइंग एजम्पशन वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। याद रखना जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो ये 3 बेसिक एजम्पशंस हमेशा रखते हैं। फर्स्ट अजम्पशन है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज जो तुम फॉलो कर रहे हो फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, वो अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होने चाहिए, ज़्यादा मतलब चेंजेस नहीं होने चाहिए, बार बार कंसिस्टेंट होना चाहिए। अगर कुछ चेंज होता है तो उसका रीज़न होना चाहिए, बट वो चेंजेस बार बार नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर देता हूँ मैं, फीफो मेथड, लीफो मेथड। जब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं तो एक मेथड आप यूज़ करते हो, वेटेड एवरेज, लीफो, फीफो, जो भी होगा, ठीक है। इंडिया में तो लिफो नहीं है बट फीफो और वेटेड एवरेज मेथड, तो एक मेथड फॉलो करो, डेप्रिसिएशन को कोई एक मेथड फॉलो करो तो उसको कंसिस्टेंट रखो आगे तक। अगर वो चेंज करते हो आप तो रीज़न देना, बट वो बार बार चेंज मत करना, तो उसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फर्स्ट जो एजम्पशन है वो कंसिस्टेंसी होना चाहिए अपने अकाउंटिंग पॉलिसी जो फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड आता है अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस याद रखना वही ट्रांजेक्शन को कंसिडर किया जाएगा जो ड्यूरिंग द ईयर ऑकर हुए है। फॉर एग्जाम्पल अगर सैलरी में मार्च का सैलरी अप्रैल में पे करता हो तो मार्च का सैलरी अप्रैल में पे कर रहा हो तो मार्च में ही वो अक्रू हो चुका है, तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कंसिडर करना चाहिए, ना कि वो अप्रैल बोलकर नेक्स्ट ईयर में लेकर जाना चाहिए। सिर्फ उसका पेमेंट अप्रैल में हुआ है बट वो अकरेंस कब हुआ है उसका, अकरेंस तो उसका मार्च में ही हो गया था, तो ड्यूरिंग द ईयर कंसिडर किया जाएगा। अक्रूअल आपको बेसिक पता होगा, अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या है, अक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बड़ा एजम्पशन है, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो ऐसा प्रिपेयर करना कि वो जो हमारा बिजनेस है वो आगे फॉरसीबल फ्यूचर में काम करेगा, कंटिन्यूअस करने का सोच रहे हम लोग, ना कि कोई इंटेंशन है अपना कंपनी बंद करने का। अगर कोई ऐसा इंटेंशन है कंपनी बंद करने का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी हिसाब से प्रिपेयर होना चाहिए। तो सिंपल है, कोई भी बिजनेस चला रहे तो ये माइंड में रखकर मत चलाइए कि आगे जाके वो कंपनी को मैं जल्दी बंद करने वाला हूँ, आगे कमिंग ईयर्स में उसको क्लोज करने वाला हूँ। अगर ये इंटेंशन है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी वो इंटेंशन के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट करना पड़ेगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के दो पॉइंट्स यहाँ पर मैंने रखे हैं, एक तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंड है कॉन्स्टेंट ऑन रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है। यहाँ पर पॉइंट में दिया है अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो याद रखना, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे तो वो रीडेबल अंडरस्टैंड होना चाहिए, मतलब सामने वाले यूज़र को पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए। तो और ये भी चीज़ याद रखना कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप बिजनेस का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, रीजनेबल नॉलेज भी प्रोवाइड करें। उसके बाद आता है रिलेवेंस। अब रिलेवेंस का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होना चाहिए ताकि डिसीजन जो लेने वाला है यूज़र यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो प्रॉपरली वो इंफॉर्मेशन को देख के, अपना वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को देख के अपना इकोनॉमिक डिसीजन ले पाए। अब रिलेवेंट कैसा डिफाइन किया जा सकता है? अब रिलेवेंट की जब बात आती है तो मेटेरियलिटी के ऊपर बात आती है। अगर कोई इंफॉर्मेशन मेटेरियल है, अगर वो इंफॉर्मेशन को ओमिट करते हैं या फिर कोई मिसस्टेट करते हैं तो उससे सामने वाले यूज़र का इन्फ्लुएंस हो सकता है इकोनॉमिक डिसीजन। तो ध्यान रखना, मेटेरियल चीज़ों को आप प्रॉपरली रिलेवेंटली क्या कर सके उसे डिस्क्लोज कर पाए। थर्ड आता है अपना रिलायबिलिटी। जब रिलायबिलिटी की बात आती है तो वो इंफॉर्मेशन में कहीं पर भी मटेरियल एरर ना होना चाहिए या फिर वो स्टेटमेंट कोई बायस स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, प्रॉपरली रिलायबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अब ये रिलायबल इंफॉर्मेशन कब इफेक्ट हो सकता है? जब कभी ट्रांजैक्शन फेथफुली रिप्रेजेंट नहीं करते हैं तब वो रिलायबल इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे उसको। या फिर कब कब कभी कभार क्या होता है, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, लीगल फॉर्म। अब सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म का कॉन्सेप्ट आपको भी पता है, अगर कोई सब्सटेंस है तो उसे इंपॉर्टेंस दे रादर देन लीगल फॉर्म के ऊपर। जैसा लीज का एग्जाम्पल ले लीजिए, लीज एग्रीमेंट, अगर मैं किसी 100 साल का लीज एग्रीमेंट किसी से करता हूँ तो अगर मैं लेसी हूँ, सामने वाला लेसर है, तो लेसर इज अ लीगल फॉर्म में वो ओनर है और मैं लीसी लीगल फॉर्म में तो ओनर नहीं हूँ, बट मैं 100 ईयर्स में ही यूज करने वाला, तो मेरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो अगर रियलिटी में देखा जाए तो वो पूरा एसेट को पूरा उसकी लाइफ लॉन्ग मैं यूज करने वाला हूँ, तो मेरे लिए वो क्या बना, वो मैं उसका ओनर टाइप बना। तो इसे कहते हैं सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो कोशिश करना कि सब्सटेंस को सामने रखे रादर देन लीगल फॉर्म को। उसके बाद में कोई भी बैलेंस शीट या रिलायबल इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो तो फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, और हो सके तो प्रूडेंस प्रिंसिपल भी यूज़ करें और इंफॉर्मेशन हमेशा कंप्लीट होना चाहिए। ये बात करते हैं अपने रिलायबिलिटी के बारे में। जब भी आप रिलायबल और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन की बात करें तो दोनों भी होना चाहिए वहाँ पर कंपल्सरी। उसके बाद आता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब वो होता है कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनता है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेयर किया जा सके वैसा बनना चाहिए। जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर से भी मैं कंपेयर कर पाऊँ या फिर मैं अपने ही पीयर कंपिटिटर्स जो होते हैं तो उससे मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर कर पाऊँ विद अ डिफरेंट एंटिटी जिसे बोल सकते हैं अपन। तो अगर ये चीज़ होता है तो उसे कंपेरेबल कहा जा सकता है। अगर कंपेरेबिलिटी नहीं हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम जज नहीं कर पाएंगे कि वो परफॉर्मेंस कैसे दे रहा है, अच्छे दे रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे करके हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखा। तो चलिए आगे बात करते हैं कॉन्स्टेंट ऑन रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। कॉन्स्टेंट का मतलब तो आपको पता होगा कि लिमिटेशन। जब भी रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन की बात करें तो वहाँ पर यहाँ तीन लिमिट्स आ सकते हैं। फर्स्ट आता है टाइमलाइननेस। याद रखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो तो वो टाइमली होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर वो टाइम पे अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं दिया, भले वो रिलेवेंट और रिलायबल हो, तो वो इंफॉर्मेशन वेस्ट माना जा सकता है। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको क्रिकेट का। अगर क्रिकेट का इंफॉर्मेशन जो है, अगर मैच चलता होगा तो मैच में अगर स्कोर आते हैं तो अगर वो रियल टाइम पे अपडेट ना हो तो वो स्कोर का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाता है। भले आप दूसरे दिन आके उसका स्कोर के बारे में बताओ तो उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहता, वो भले वो रिलायवेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन हो। तो याद रखना, वैसे ही टाइम पर प्रॉपर रिलायबल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन देना ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट माना जाता है। सेकेंड आता है कॉस्ट एंड इट्स बेनिफिट। जब भी कोई भी आप इंफॉर्मेशन निकालते वक्त बहुत सारा कॉस्ट लगता है आपको,
बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ते, तो ऐसे टाइम पे ध्यान रखना वो चीज़ के ऊपर। आप अच्छे से इंफॉर्मेशन निकाल कर वो प्रॉपर जितना भी है कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिफेयर करना। कोई अनड्यू एफर्ट्स लग रहे हो या फिर कॉस्ट लग रहे हो तो फिर इतना भी ये मत कर देना कि वो सेंस ही नहीं बनेगा यूज़र को फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने का। नेक्स्ट आता है बैलेंस बिटवीन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जैसे हमने ऑलरेडी बात किया वो 4 पॉइंट्स, तो उनमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार क्या होता है एक्सेसिव इंफॉर्मेशन भी क्या होता है सर्व नहीं कर पाता है पर्पस को। तो ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड मत कीजिए जिससे किसी का इंटरेस्ट ही चला जाए। तो बैलेंस रखिए हमेशा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन और उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो याद रखना ये ऐसे करके हमने क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक एंड कॉन्स्टेंट ऑफ रिलेवेंट रिलायबल इंफॉर्मेशन देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी किसी ने पूछा आपको एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पर 5 एलिमेंट्स है। वो 5 एलिमेंट्स आप नॉर्मली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस को देख के समझ जाओगे। जब भी हम बैलेंस शीट देखते हैं एसेट लाइबिलिटी इक्विटी, और जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस को देखते हैं वहाँ पर हमें मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंसेस। जब अब बात कर रहे हैं हम लोग एसेट के बारे में, एसेट क्या होता है? तो मानो कोई भी मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है एक बंदे से, और वो बंदे से मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं परचेस करूँगा आपका प्लांट एंड मशीनरी। अब वो प्लांट एंड मशीनरी जिस दिन मैं परचेस करूँगा तो वो परचेस करते ही मेरे हाथ में उसका कंट्रोल आ जाएगा, तो मैं वो प्लांट एंड मशीनरी को कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। तो उसे बोलते हैं रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी। तो एंटिटी ने कॉन्ट्रैक्ट करके वो रिसोर्स को कंट्रोल किया परचेस करके, राइट, एक्वायर करके। उसके बाद एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट किससे बोला जाएगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया ना सामने वाले वेंडर से, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो मेरे लिए पास्ट इवेंट बना। एक बार मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट करते ही मेरे बाद उसका कंट्रोल आने लगा। बैलेंस शीट में कोई भी एसेट होता है, कोई भी प्लांट मशीनरी एसेट, एसेट जो देखा होगा आपने आइटम्स, राइट, एसेट साइड, वो सब एसेट्स को एंटिटी कंट्रोल करता है, इसलिए वो उसे एसेट बोलता है। और उसके बाद वो सबके बीच में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, तो वो पास्ट इवेंट बन जाता है। उसके बाद में वो कंट्रोल एसेट साइड ही क्यों होता है, क्योंकि वो एसेट से, वो प्लांट एंड मशीनरी से मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने वाला होता है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्लो होने वाला होता है। वो प्लांट एंड मशीनरी को यूज़ करके मैं प्रोड्यूस करूँगा, और वो प्रोडक्शन करके मैं आगे सेल करूँगा उसे, तो उससे मुझे इनकम होगा। तो इकोनॉमिक बेनिफिट, इनकम से कुछ कमाना, राइट। तो कंपनी में जब भी कोई एसेट आता है तो एसेट हमेशा कंट्रोल किया होता है कंपनी ने, जो कॉन्ट्रैक्ट करके हमने लाया होता है पास्ट इवेंट के थ्रू, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का एक्सपेक्टेशन होता है। तो आप मेरे हिसाब से आपको ये एसेट समझा होगा। अब बात करते हैं हम लोग लाइबिलिटी के बारे में। ये लाइबिलिटी क्या होता है? लाइबिलिटी ऑब्वियसली प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मेरा, मतलब बैलेंस शीट में अगर कोई दिख रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग तो मुझे वो सैलरी पे करना है आज के समय में, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है मेरा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन कैसे बना? अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट किससे बोला जाएगा? भाई मैं अगर एम्प्लॉय को सैलरी आउटस्टैंडिंग आज मेरे को पे करना है, इसका मतलब क्या हुआ? एम्प्लॉय ने पास्ट में सर्विस प्रोवाइड किया है आपको, इससे पहले एम्प्लॉय ने आपको सर्विस प्रोवाइड किया, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू आर प्रोवाइडिंग, मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन आपका बन जाता है, तो आपको पे करना होगा उनको। तो ये बना प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स। अब जिस दिन अगर वो आउटस्टैंडिंग सैलरी को मुझे हटाना है वहाँ से लाइबिलिटी साइड, तो मुझे पे ऑफ करना होगा। तो पे ऑफ करूंगा तो उसे क्या कहा जाएगा? आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि पे जब करूंगा मेरा कैश जाएगा। कैश भी मेरा क्या है? एक रिसोर्स है बैलेंस शीट में, राइट। तो मेरा कंपनी का एक रिसोर्स है, अगर वो पे करूंगा तो लाइबिलिटी तब खत्म होगा। तो एसेट में इनफ्लो होता है रिसोर्स, वेर एज लाइबिलिटी में आउटफ्लो होता है अपना रिसोर्स। तो यहाँ पर आपको समझा होगा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट सेटलमेंट ऑफ विच इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्स। अब बात करते हैं इक्विटी के बारे में। जब बैलेंस शीट आप प्रॉपरली देखोगे, जब अगला वीडियो जो मैं आपको लाऊंगा वो होगा शेड्यूल 3 के ऊपर। शेड्यूल 3 में प्रॉपरली पूरा फॉर्मेट दिया गया है, MCA ने प्रोवाइड किया है। वो शेड्यूल 3 में आप देखोगे एसेट लाइबिलिटी और इक्विटी का बाइफरकेशन है,
तो एसेट माइनस लाइबिलिटी जब करोगे, एसेट अगर मेरा 100 है एंड लाइबिलिटी मेरा 80 है, तो जो 20 बचता है वो मेरा बचेगा इक्विटी। तो इक्विटी बचा हुआ पोर्शन को बोला जाता है आफ्टर एसेट और लाइबिलिटी को माइनस करके। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन दिया है, इट इज़ अ रेसिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स ऑफ द एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लाइबिलिटी। मतलब एसेट्स में जो बचा हुआ पोर्शन है, जब लाइबिलिटी को डिडक्ट करके वो इक्विटी माना जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये बैलेंस शीट वाले आइटम एक बार समझ के लिए। अब आगे बात करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट वाले चीज़ें, वो है इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब इनकम को क्या बोला जाएगा, जब भी कोई इनकम होता है तो इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है अपने को, वो कैसे कैसे हो सकता है, तीन चीज़ों से हो सकता है। या फिर मेरा इनफ्लोज आ रहा है, मेरे पास कोई इनफ्लो आ रहा है, मतलब कुछ पैसे आ रहे हैं, उसे इकोनॉमिक बेनिफिट बोल सकते हैं, राइट। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मेरे लिए इनफ्लो हुआ। और उसके बाद में हो सकता है एनहेंसमेंट ऑफ एसेट। एनहेंसमेंट ऑफ एसेट्स का मतलब होता है जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वो बैलेंस शीट में जाके बैठा है, अब वो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ रहा है, मार्केट प्राइस उसका बढ़ रहा है, तो वो हो गया एनहेंसमेंट ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। अगर एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो ऑब्वियसली मेरे लिए क्या हो गया, ये इनकम टाइप ही हुआ एक। और उसके बाद में डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी कम होता है मेरा, लाइबिलिटी साइड अगर कोई भी चीज़ मेरा ऑब्लिगेशन कम हो जाता है, वो भी मेरे लिए एक इनकम जैसे ही माना जाता है। तो ऐसे करके अगर ये तीनों चीज होकर अगर मेरा इक्विटी इंक्रीज होता है, तो वो चीज को क्या कहा जाएगा, इनकम माना जाएगा, इनकम माना जाएगा, राइट। तो इसको डेफिनेशन एक बार समझ के लो, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट थ्रू इनफ्लो या एसेट का बढ़ने से, एनहेंसमेंट होने से, या फिर डिक्रीज इन लाइबिलिटी होने से, अगर इक्विटी पोर्शन बढ़ता है अदर देन इक्विटी पार्टिसिपेंट्स, जो नॉर्मली ओनर्स का कैपिटल छोड़ के जो बचा हुआ पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट, तो वो चीज़ क्या है, इनकम बोला जाएगा। एक्सपेंसेस किसे बोला जाएगा, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट, डिक्रीज होगा अपना इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यू टू आउटफ्लो के वजह से, एसेट का डिप्लीशन के वजह से, या फिर लाइबिलिटी के बढ़ने के वजह से। तो वो बन जाएगा जिससे अपना इक्विटी कम हो रहा है, तो वो बन जाएगा अपना एक्सपेंसेस। आई होप आपको ये स्लाइड आपको समझा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में ये बात कर रहे हैं हम, रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब भी एलिमेंट, जब बात किया एलिमेंट, हमने प्रीवियस स्लाइड में एसेट लाइबिलिटी इक्विटी इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में बात किया। अगर ये सब चीज़ को रिकॉग्नाइज करना है, अपने बैलेंस शीट में लेकर आना है, अगर रिकॉग्नाइज करना है तो आपको याद रखना है ये दो चीज़ हमेशा होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, हमेशा प्रॉबेबल दैट, इट इज प्रॉबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू और फ्रॉम एंटिटी, मतलब उसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको मिलना चाहिए तो ही आप इसे रिकॉग्नाइज करना। बट ये कंडीशन के साथ और एक कंडीशन जुड़ा हुआ है, वो भी ध्यान रखना कि कॉस्ट और फेयर कैन बी मेजर्ड रिलायबली। कोई भी एसेट आप खरीदते हो, जैसे मोबाइल खरीदा है, तो वो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको दे रहा है, यस, आप क्या कर रहे हो उसको यूज करके आगे बहुत सारा काम कर रहे हो, उसको बोलते हैं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, राइट। जिस दिन इसका मोबाइल का यूज खत्म हो जाएगा, आप उसको फेंक दोगे, तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट खत्म हुआ। तो यहाँ पर भी सेम है, आपने मोबाइल खरीदा तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको हो रहा है, आगे जाके क्या लिखा है, इट कॉस्ट और अ फेयर कैन बी मेजर्ड। तो आपने अगर खरीदा है तो ऑब्वियसली इसने कुछ पैसे पे करके खरीदा होगा, कॉस्ट है उसका, या फिर उसका मार्केट में फेयर वैल्यू, आज अगर बेचने भी जाओगे वो चीज को, मोबाइल को, तो आपको फेयर वैल्यू मिलेगा उसका कुछ। तो इसे कहते हैं ये दोनों चीज अगर होगा, इकोनॉमिक बेनिफिट भी होगा फ्यूचर का और प्लस कॉस्ट में मेजर कर पा रहा हूँ ऐसा भी होगा, तो अगर ये दोनों चीज होगा तो इसे कहते हैं और रिकॉग्निशन ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट को रिकॉग्नाइज आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट के बारे में। जब एलिमेंट्स के मेजरमेंट की बात आती है तो यहाँ पर हमारे पास पांच मेजरमेंट्स हैं। एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक करंट कॉस्ट, एक रियलाइजेबल वैल्यू, एक प्रेजेंट वैल्यू और एक फेयर वैल्यू। हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात करो तो एक्विजिशन प्राइस को बोलेंगे, जो भी आपने एक्वायर किया एसेट को पे किया एक्वायर करते वक्त, कोई भी इंस्टॉलेशन खर्चा, जब तक वो एसेट रेडी टू यूज नहीं हो जाता है तब तक जो भी चीज़ आपने खर्चा किया वो सब चीज़ कॉस्ट को ऐड करके इसे एक्विजिशन प्राइस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आज में आप क्या कर सकते हो, वो एसेट को एक्वायर्ड कर सकते हो या फिर सेटल कर सकते हो, जो प्राइस होगा, जो
जो पेड किया जाएगा या फिर कुछ रिसीव किया जाएगा वो कॉस्ट को करंट कॉस्ट बोलते हैं। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब वो होता है, अगर आज कोई एसेट आप बेचने जा रहे हो, सेल करते हो, इमीडिएट सेटलमेंट करना चाहते हो, तो जो भी अमाउंट आपको मिलेगा या फिर पे करेंगे आप, तो वो रिलाइजेबल वैल्यू माना जाता है। ये सब वर्डिंग्स आपको आगे जाके बहुत यूज़ होने वाले हैं, हम इसके डिटेल्स में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंट वैल्यू। अगर माने आज आज में आपको पता चल रहा है कि आगे जाके 10 लाख, आगे 10 साल में आपको 10 लाख पे करने पड़ेंगे, मतलब एंड ऑफ द 10th ईयर में आपको 10 लाख पे करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये है कि आज से हमें उसका अकाउंटिंग स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं आज उसे 10 लाख से रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि आज का 10 लाख का वैल्यू और 10 साल के बाद का 10 लाख का वैल्यू अलग होगा, इसलिए उसे प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करना ज़रूरी होता है। तो ये भी चीज़ याद रखना, पे करना हो या रिसीव करना हो फ्यूचर में कोई भी चीज़ है, तो उसको आज से अकाउंटिंग करने के लिए हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना पड़ता है। उसके बाद आता है फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होता है? एसेट्स एंड लाइबिलिटी अगर मैं एक्सचेंज करता हूँ, सेटल करता हूँ कोई भी मार्केट में जाके, जिसका आर्म्स लेंथ प्राइस हमें पता है, जिसका आर्म्स लेंथ प्राइस हमें पता है, इवन वहाँ पे पार्टीज को पता है एसेट का वैल्यू। अगर मैं कोई भी एक आईफोन का अगर मार्केट में सेकेंड हैंड में बेचने जाऊँगा, तो ऑब्वियसली मुझे 20-25 हज़ार में मिल जाएगा। तो ये होता है उसका फेयर वैल्यू, जो सभी को पता है, नॉलेजेबल बिटवीन नॉलेजेबल विलिंग पार्टीज इन आर्म्स लेंथ प्राइस। तो फेयर वैल्यू, हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल प्रेजेंट वैल्यू, ये सब कॉस्ट हमें मेजरमेंट के लिए काम आते हैं, जब एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई चीज़ को रिकग्नाइज करने जाते हैं या रिवैल्यूएशन करने जाते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल मेंटेनेंस। इस बारे में हम बात करने वाले इंडेक्स में, जैसे हमने बताया कि कैपिटल मेंटेनेंस क्या होता है, तो कैपिटल मेंटेनेंस मतलब कुछ नहीं होता है, वो चीज़ होता है जो नेट एसेट होता है अपने बिजनेस का। नेट एसेट्स किसे बोला जाता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, जो पोर्शन बचता है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इक्विटी, जिसे हम कैपिटल नाम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब होता है इक्विटी को मेंटेन करके रखना, कभी इसे गिरने मत देना, तो इसे गिरने दोगे तो आपका क्या होगा? लॉस ही होगा, आगे जाके कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक नहीं चलेगा। तो इसे यही कह रहा है, फॉल इन द नेट प्राइस, दैट इट कैपिटल विच लीड्स टू फॉल इन द एक्टिविटी लेवल्स। तो ये इंश्योर करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि कभी वो नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए अपना कैपिटल, जो इक्विटी है, जो नेट एसेट है, जो कैपिटल मेंटेन्स करने की बात हो रही है, राइट है। तो रिटेन जो प्रॉफिट होता है अपना, प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट हमेशा अपना पॉजिटिव होना चाहिए, ये कोशिश करो। इसी को क्या कहते हैं? कैपिटल मेंटेनेंस कहते हैं। तो पहला क्या है वहाँ पे? ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल जो इंट्रोड्यूस होता है वो ऐड करो, ड्रॉइंग जो निकाला जाता है पैसा, उसके बाद में डिविडेंड जो पे किया जाता है, ऐसा करके जो क्लोजिंग कैपिटल बचता है, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग में जब जो भी बैलेंस बचेगा आपका रिटेन प्रॉफिट होता है। अगर ये नेगेटिव में चला गया तो ऑब्वियसली आपको लॉस हो रहा है कंपनीज को, ये माना जाता है। तो ये चीज़ को कैपिटल मेंटेनेंस को तीन चीज़ें बोला गया है यहाँ पर, तीन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर कैपिटल मेंटेनेंस का। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, सेकंड भी है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, और थर्ड है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। जब फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की बात हो तो वहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, मतलब कोई भी कैपिटल है हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग उसे मेजर कर रहे हैं। तो पॉइंट देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट इज अर्न ओनली इफ द क्लोजिंग इक्विटी एक्सिड द ओपनिंग एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट। मैं बैलेंस शीट को पूरा हिस्टोरिकल कॉस्ट में रखूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जो है अपना कैपिटल, कैपिटल या फिर इक्विटी, उस पर मेजर करूंगा। अगर वो प्रॉफिट मिलता है मुझे वैसे मेजर करके अपनी कैपिटल मेंटेनेंस की बात करेंगे थ्रू हिस्टोरिकल कॉस्ट। सेकेंड पॉइंट आता है अपना फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस एट अ करंट परचेसिंग कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से मेजर करो, फिर करंट कॉस्ट के हिसाब से मेजर करो। करंट कॉस्ट के हिसाब से मेजर करते वक्त वहाँ पर लिखा है प्रॉफिट इज अर्न ओनली इफ द क्लोजिंग इक्विटी एक्सिड ओपनिंग इक्विटी रिकैलकुलेटेड यूजिंग द एवरेज प्राइस इंडेक्सेस। ये आगे जाके हम लोग पूरा देखेंगे इसके बारे में, समझ जब आएगा तब आपको समझ में आएगा ये सब चीज, ठीक है। तो यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे होता है, यहाँ पर एवरेज प्राइस पे होता है जो इंडेक्सेस होता है। इंडेक्सेस मतलब 100, 120, जैसे हम टैक्स में इंडेक्स का यूज करते हैं जब कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं, तो वैसा कुछ है। उसके बाद में आता है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस भी करंट कॉस्ट पे होता है।
वहाँ पर भी क्या है, प्रॉफिट इज अर्न ओनली इफ द क्लोजिंग एक्सीड द ओपनिंग, और रिकैलकुलेट किया जाता है क्लोजिंग प्राइस को एप्लीकेबल टू द एसेट दैट इज करंट कॉस्ट। जो एसेट का करंट कॉस्ट है उसके बेसिस पे उसको मेजर किया जाता है। तो ये बेसिस पे हम लोग कैपिटल मेंटेन्स करते हैं, मेंटेन्स करते हैं ये तीन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। तो ऐसे करके मैंने आज ये टॉपिक को कवर करने की कोशिश की। हो सकता है वीडियो बड़ा है, बट याद रखना मैंने पूरा जो फ्रेमवर्क है पूरा कवर करने की कोशिश किया है यहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। अगर मुझे फॉलो करना है तो आप यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या फिर ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू आपको यह वीडियो देखने के लिए।